जैसे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए इस माला जी को जॉइंट करके आज हम ठाकुर जी के लिए छतरी बनाएंगे और इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा इसको कैसे बनाना है ये डिज़ाइन को। तो आज हम जॉइंट करेंगे, इससे पहले देखिए मैं कितना बनाई हूँ। देखिए जो ट्रायंगल से डिज़ाइन यहाँ पे बनाई हूँ, तो ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 बना लिया। बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे। इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये दोनों साइड को ज्वाइन करेंगे और इसके पहले और एक देखना है कि यहाँ पे जो कलर है इस साइड में वही कलर रहना चाहिए। देखिए ये ब्लू कलर है तो यहाँ पे ब्लू कलर है और ये रेड है। देखिए एक यहाँ पे रेड सिंगल एक मोती रेड है, तो इस साइड में यहाँ पे आधा, यहाँ पे देखिए ये जो है डिज़ाइन यहाँ पे आधा बना के रखी हूँ और ज्वाइन करूँगी तब इसी से ज्वाइन करूँगी। तो ये अच्छे से देख लेना है कि इस साइड में कौन सा कलर है, जो इस साइड में कलर है वही इस साइड में भी कलर देना होगा। तो अब शुरू करते हैं कैसे ज्वाइंट करना है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीन मोती है, 1 2 3 ब्लू कलर की मोती है और नीचे देखिए तीन मोती लेंगे। तीन मोती लेंगे, लेने के बाद ये जो ब्लू कलर है इसमें से निकालेंगे। और एक ब्लू कलर लेंगे, एक मोती लेंगे ब्लू कलर की। लेने के बाद ये ऊपर में जो ब्लू कलर की मोती है इसमें से सुई को निकालेंगे। देखिए जॉइंट हो रहा है। अभी पांच लेंगे वाइट मोती, पांच वाइट मोती लेंगे। लेने के बाद ये जो ब्लू कलर है लाइट ब्लू, इसमें जो बीच में जो मोती है इसमें से सुई को निकालेंगे। फिर से पांच वाइट मोती लेंगे। ये जो रेड मोती है नीचे इसमें से सुई को निकालेंगे। अब एक रेड मोती लेंगे, लेने के बाद इस साइड में जो रेड कलर की मोती है इस साइड में उसमें से सुई को निकालेंगे। अब यहाँ पे एक रेड मोती लेंगे, लेने के बाद ये ऊपर में जो रेड मोती है इसमें से सुई को निकालेंगे। अभी देखिए तीन मोती है, 1 2 3 व्हाइट मोती, तीन व्हाइट मोती लेना है। और ये ब्लू कलर में बीच में जो ब्लू कलर की मोती है उसमें से सुई को निकालना है। अब दो लेंगे व्हाइट मोती,
और इस साइड में देखिए पांच मोती है वाइट कलर की, ये बीच में मोती जो है उसमें से सुई को निकालेंगे। फिर से दो वाइट मोती लेंगे, लेने के बाद ये जो ग्रीन मोती है दो इस साइड में, तो वो दो ग्रीन मोती में से सुई को निकालना है। अब एक वाइट मोती लेना है, लेने के बाद देखिए ये जो तीन मोती है वाइट कलर की, इसमें जो बीच में मोती है उसमें से सुई को निकालेंगे। फिर से एक मोती लेंगे वाइट कलर की, और इस साइड में देखिए ये जो एक दो यहाँ पे देखिए एक दो तीन, ये तीन मोती है वाइट कलर की, और ये बीच में जो मोती है इसमें से सुई को निकालेंगे। और फिर से एक वाइट मोती लेंगे, लेने के बाद ये जो रेड मोती है इसमें से सुई को निकालेंगे। इसके बाद देखिए और एक वाइट मोती लेना है, लेके ये जो कोना वाला मोती है देखिए एक दो तीन इस साइड में ऐसे करके सुई को निकालना है। ये पूरा बन गया है डिज़ाइन। अब ये बीच बीच में एक एक मोती डालेंगे वाइट कलर की। अब देखिए ये जो वाइट कलर की मोती है इसके बीच बीच में एक वाइट कलर की मोती डालेंगे, एक एक करके एक मोती लेंगे और बीच में ऐसे डालते जाएंगे। इस तरह से पूरा एक एक मोती डालते जाएंगे यहाँ तक। देखिए पूरा में एक एक करके मैंने मोती जॉइन कर लिया, और अभी मैं ब्लू कलर की मोती ऐड करूँगी। तीन तीन मोती देखिए, तीन मोती लेंगे, लेने के बाद एक मोती जहाँ पे धागा है देखिए वहाँ से एक मोती को छोड़ के दूसरा मोती में से सुई को निकालना है। फिर देखिए दो मोती यहाँ पे छोड़ेंगे और तीन मोती लेके एक मोती छोड़ के ऐसे दो मोती में, दो वाइट मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से तीन मोती लेंगे, फिर तीन मोती लेंगे, लेके एक मोती छोड़ेंगे। देखिए ये मोती छोड़ेंगे, छोड़ के दो मोती में से सुई को निकालेंगे।
फिर से तीन मोती लेंगे। अब एक मोती छोड़ेंगे और दोनों मोती में से देखिए दो वाइट मोती में से निकाल देंगे सुई को। इस तरह से पूरा बनाएंगे यहाँ तक। देखिए पूरा में मैंने ऐसे बना लिया है तीन तीन मोती डाल के। अब ये जो ब्लू कलर है इसमें से सुई को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक ग्रीन ऐसे ऐड करेंगे। एक एक ग्रीन मोती लेंगे और ये बीच में जो मोती है ब्लू कलर की उसमें से ऐसे ऐड करते जाएंगे। इस तरह से पूरा यहाँ तक बनाएंगे। अभी इसके ऊपर लाइन बनाएंगे। देखिए धागा मेरा ग्रीन मोती जो है उसके पास है। अभी पांच पांच ग्रीन मोती लेंगे। पांच ग्रीन मोती लेंगे। देखिए नेक्स्ट जो ग्रीन मोती है उसमें से निकालेंगे और ये साइड में जो मोती है ग्रीन इसमें से भी निकालेंगे ऐसे। फिर से पांच मोती लेंगे ग्रीन कलर के। फिर देखिए ये नेक्स्ट मोती जो है देखिए यहाँ पे है धागा और ये नेक्स्ट मोती जो है इसमें से और ये साइड में जो मोती है इसमें से दोनों ग्रीन मोती में से धागा को निकालना है। इस तरह से ये पूरी राउंड यहाँ तक बनाएंगे। अब यहाँ पे धागा को लेके आना है। अब देखिए इसके बीच बीच में तीन तीन रेड कलर की मोती डालेंगे। इस तरह से पूरा राउंड लगाएंगे यहाँ तक। ये लास्ट यहाँ पे ज्वाइन करना है तीन मोती इस तरह से। अभी धागा देखिए ये तीन जो मोती है रेड कलर के उसके बीच में धागा है यहाँ पे है। दो रेड कलर की मोती लेंगे फिर से और ये बीच में जो मोती है
रेड कलर के, इसमें से निकालेंगे। फिर से दो मोती लेंगे और बीच में जो रेड कलर की मोती है उसमें से निकालेंगे सुई को। इस तरह से पूरा राउंड लगाएंगे। अब देखिए तीन तीन वाइट मोती लेंगे, तीन व्हाइट मोती लेंगे। धागा देखिए बीच में है, दोनों मोती, ये रेड मोती जो है इसके बीच में है, ये मोती और ये मोती, इसको दोनों को छोड़ के अब इस दोनों मोती में से निकालेंगे धागा को, सुई को। फिर से तीन व्हाइट मोती लेंगे, लेने के बाद दो मोती छोड़ेंगे और फिर दो मोती में से धागा को निकालेंगे। इस तरह से पूरा बनाएंगे यहाँ तक। ये यहाँ पे भी तीन मोती लेना है और लेके एक दो मोती छोड़ के लास्ट में जो देखिए दो मोती है इसमें से सुई को निकालना है। आप देखिए यहाँ पे लेके आना है सुई को, ये बीच में जो वाइट कलर की मोती है इसमें अब एक एक मोती डालेंगे और ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए एक वाइट मोती लेंगे, लेने के बाद बीच में जो वाइट मोती है उसमें से सुई को निकालेंगे। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और बीच में जो वाइट मोती है उसमें निकालेंगे। ये लास्ट में ऐड करना है एक मोती। अब देखिए एक इसमें से निकालेंगे सुई को, फिर से एक ब्लू मोती लेंगे, फिर ये इस जो मोती ऐड किए थे उसमें से निकालेंगे। देखिए ऐसे एक मैंने हार्ड एक पेपर ले लिया, ये हॉर्लिक्स का है, आप देख ही सकते हैं थोड़ा ये हार्ड है, इसमें अच्छे से बनेगा। और इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ से ये बीच में से लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे। देखिए ये जो है ये लास्ट जो है ये कलर, इसमें से इसके अंदर से लेंगे नाप और यहाँ से राउंड।
इसको काटेंगे। अब ये सब ये देखिए ऐसे एक पेपर, ये शॉपिंग बैग जो है इसमें से मैं ये काट के निकाला ऐसे दो पीस, और इसमें चिपकाएंगे गाम से।